इसके लिए भारत बना सकते हैं जी। मुश्किल होता है आपको लैंग्वेज? देखिए अब लैंग्वेज जहाँ तक है कि लैंग्वेज मुश्किल जाती है हिंदी या मराठी, तो मैं भी कहूँगा हाँ बहुत मुश्किल जाती थी मेरे को भी जब मैं स्कूल में था। तो मैंने एक टीचर, मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो गया था, एक बार हिंदी में फेल हो गया क्योंकि हिंदी वो आनी नहीं, मराठी तो बहरहाल नहीं था मेरा। तो फिर मैंने एक टीचर अच्छा ट्यूशन लगा लिया और सिर्फ हिंदी का ट्यूशन होता था, और एक टीचर थे जो हिंदी सिखाया करते थे और रियल सेंस में उन्होंने कुछ हिंदी बताई जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप भी उसके लिए ऐसे एक टीचर तलाश कीजिए जिससे आप जाकर, ये फुल टाइम कोर्स नहीं होगा, एक क्रैश कोर्स जैसा 15 डेज 20 डेज 1 मंथ, जो हिंदी में महारत रखते हो वो उस कैलिबर के टीचर हों, और ऐसे टीचर्स मिलेंगे आप जाइए और कुछ दिन में कुछ कोर्स करके बेसिक चीज़ें सीख लीजिए। वाला आंटी इधर और इधर कब लगती, लंबा खींचना और शॉर्ट खींचना, समझ रहे आप, र है तो उसके जितने काइंड से वो कब और कहाँ लगेंगे। थोड़ी बहुत बार आप हो सकता गलती करें लेकिन अक्सर बार फिर आप र लिखना सीख जाएंगे कि ऊपर लगेंगे कब, नीचे कब आएंगा, बीच में कब आएंगा, है ना, होता है ना ये सब चीज़ें। तो आप एक राइट टीचर को पकड़िए और कुछ दिनों में उससे कुछ बेसिक्स सीख लीजिए, जो आइडियाज़ रहेंगे लैंग्वेज के पीछे कि लैंग्वेज ऐसी क्यों लिखी जाती, ऐसा क्यों होता। जब वो आइडियाज़ आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह तो बाकी लैंग्वेज भी आपकी सुधर जाती। लेकिन जब आप उसको बोझ लेके बैठेंगे ना, हिंदी मराठी की चीज, तो फिर क्या होगा, वो वाकई में आपको बोझ नज़र आएंगे और बहुत मुश्किल होगा। तो लैंग्वेजेस मुश्किल होती है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा उसको कोई ऐसा टीचर लगाइए जो आपको कम वक्त में लैंग्वेज का बेस सिखा दे, जैसा कि इंग्लिश के लिए ग्रामर सिखा दिया आपको किसी ने, तो मराठी हिंदी के लिए भी कुछ बेस हो इसके, वो सीख लीजिए, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आप लैंग्वेज की समझ जाएंगे जी।